नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत आपके ही अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं HTML की सीरीज। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML क्या होती है, कैसे आप प्रोग्राम लिख सकते हो और दोस्तों ये किस लिए यूज की जाती है, सब कुछ इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML किस लिए यूज की जाती है। दोस्तों, असल में HTML यूज की जाती है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। कोई भी आप वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हो तो उसमें HTML की ज़रूरत होती है। जो भी आप वेब पेज पर देखते हो डिजाइनिंग में, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, वो जनरली लिखा जाता है आपका HTML में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं HTML आपको दिखा रहा हूँ मोबाइल के द्वारा चला के। मोबाइल में आप एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर पर तो आप नोट पैड में लिख सकते हैं, और नोटपैड में जब भी आपकी फ़ाइल बन जाएगी तो आप उसको सिर्फ जो है फ़ाइल का नाम .htm या फाइल का नाम .html से आप सेव कर देंगे और उस फाइल पर डबल क्लिक करके आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। मैं यहाँ मोबाइल पर बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, इसको इसलिए बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज क्योंकि ये टेक्स्ट की बनी होती है। इसमें टेक्स होते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ एक ही टैग होता है, जैसे HR, BR, इस टाइप के कुछ टैग हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो दोस्तों, आइए ऊपर से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर HTML क्लोज टैग जो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर HTML टैग है जो कि लास्ट में क्लोज भी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। दोस्तों, HTML टैग बताता है कि हम HTML में काम कर रहे हैं। दूसरा टैग आता है दोस्तों हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखते हैं। अभी यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट। यहाँ हमने हेड के अंदर लिखा है अभी टाइटल। टाइटल के अंदर हमने लिखा है इंडेक्स। असल में ये टाइटल जो होता है वो इसलिए यूज होता है, जो कि आपका टाइटल है वो ब्राउजर के सबसे ऊपर जो आता है ब्लू कलर की पट्टी, वहाँ पर ये शो होगा। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को अभी रन करके दिखाऊँगा। टाइटल में ऊपर एक जो ब्लू कलर की पट्टी होती है वहाँ पर ये आएगा इंडेक्स। दोस्तों, हेड क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज। टाइटल के बाद में हम हेड क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की। दोस्तों, जो बॉडी टैग है वो हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर के पूरा पेज होता है हमारा, जो वाइट कलर का पूरा पेज होता है वेब ब्राउजर का। बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो वहीं पर आएगा। मैं आपको भी रन करके दिखाऊँगा और नीचे बॉडी क्लोज कर देते हैं, फिर सबसे लास्ट में HTML क्लोज कर देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो है आपको दिखा रहा है हेलो, हेलो आपको दिखा रहा है बॉडी के अंदर। दोस्तों, जब आप प्रोग्राम ब्राउजर में रन करेंगे तो यही प्रोग्राम ऊपर आपको इंडेक्स भी लिखा हुआ दिखाएगा, ऊपर जो ब्लू कलर की पट्टी आएगी टाइटल में। क्योंकि मैं मोबाइल में रन कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है। इसको मैं आपको एक और दूसरे एप्लीकेशन में रन करके दिखाता हूँ। देखिए अभी, अब दोस्तों आप इस पेज को देखिए, ये भी सेम उसी टाइप का है। इसमें टाइटल के अंदर हमने लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ पर हम कुछ लिख दें, जैसे कि वेलकम लिख देता हूँ मैं अभी, दोस्तों वेलकम मैंने लिख दिया। अब दोस्तों मैं वापस आ जाता हूँ उसी कोड पर, और देखिए दोस्तों बॉडी के अंदर हमने लिखा है एक हेडिंग। हेडिंग टैग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम रन करके, ये देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों वेलकम जो आ रहा है ऊपर, ये टाइटल आ रहा है, और हेलो जो आ रहा है वो हमारा बॉडी का पार्ट है जो बॉडी के अंदर हमने लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से ये HTML का आपका पहला प्रोग्राम है। तो दोस्तों, मैंने आपसे बात की HTML की और आपको पहला प्रोग्राम रन करके दिखाया, इसमें मैंने बना के दिखाया।
अब देखिए दोस्तों, बॉडी के अंदर यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने लिखा गो, अब हम इसको रन करेंगे तो गो लिखा आ गया। आप देखिए बॉडी पार्ट पर जो भी आएगा वो यहीं पर आएगा। बैक चलते हैं हम। अब यहाँ पर हम कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे हाय, तो यहाँ पर लिखा आ गया हाय। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हेडिंग टैग के बारे में। दोस्तों हेडिंग टैग जो होता है वो आता है हेडिंग बनाने के लिए। जैसे आपको हेडिंग बनानी है किसी भी आप पैराग्राफ की, आप कोई बुक लिख रहे हैं HTML पर, या दोस्तों आप वेबसाइट पर कोई एक आर्टिकल बना रहे हैं जिसमें आपको हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों HTML में 6 हेडिंग्स का हम यूज करते हैं, H1 से लेकर के H6 तक। H1 सबसे बड़े टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है और H6 सबसे छोटे टेक्स्ट को दोस्तों करती है रिप्रेजेंट। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी करके, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक टैग लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1। और दोस्तों इसमें एक बात और है, HTML में आप जो है स्मॉल में, कैप्स में, आप किसी में भी लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपको हेलो। और दोस्तों यहाँ पर मैं इस टैग को कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर H1 लिखता हूँ अब मैं H1। तो जो टैग हमने ओपन किया था H1 से, वही टैग हमने क्लोज कर दिया H1 से। दोस्तों H1 ओपन और H1 क्लोज। दोस्तों हर टैग यहाँ पर क्लोजिंग टैग होता ही है, कुछ टैग का मैंने आपको बताया नहीं होता। अब सिर्फ आपको क्लोजिंग के लिए एक स्लैश लगानी होती है और कुछ नहीं करना होता। अब मैं इसको दोस्तों कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं इसको 6 बार लिख देता हूँ अभी। अब मुझे यहाँ पेस्ट करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने 6 हेडिंग बना दी हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और सारी की सारी हेडिंग को हमने क्लोज किया है, H1 को क्लोज किया है H1 से ही। सिर्फ हमने स्लैश लगाई है पीछे, और टेक्स्ट हमने सेम रखा है जिसमें रखा है हेलो। अब दोस्तों हम इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। अब जब हम इसको रन करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट समझ में आएगा। H1 जो होगी वो सबसे बड़ी प्रिंट होगी और H6 जो है सबसे छोटी होगी। अब हम इसे रन करते हैं। तो अभी एक मिस्टेक थी, यहाँ पर एक निशान आ रहा था टैक्स का, तो हमने हटा दिया है। अब हम प्रोग्राम्स को दोबारा रन करके देखेंगे। ओके चल रहा है। दोस्तों जब हम इसको रन करेंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। सबसे पहले वाला हेलो सबसे बड़ा लिखा है और सबसे लास्ट वाला हेलो सबसे छोटा लिखा है। तो H1, H2 से लेकर के H6 तक आप हेडिंग का यूज कर सकते हो, जिस भी तरह की आपको हेडिंग की ज़रूरत पड़े। तो अगर आपको हेडिंग बनाना हो तो आप यूज कर सकते हो H टैग का, हेडिंग टैग का। अब दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो था इस सीरीज का, और धीरे धीरे हम बात करेंगे HTML के और वीडियो के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।